दिन था शुक्रवार का, दिन था धनतेरस का, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो सारा दिन का जो ग्लिम्स है वो मैं शेयर करूँगी। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जो अभी गले का हालत थोड़ा मेंढक जैसा लग रहा है, अगर मैं बात करूँगी तो लगेगा कोई मेंढक डाक रहा है, बुला रहा है आप लोगों को। तो इसलिए देख लीजिए मैंने क्या क्या किया, सुबह क्या हो रहा है, 6:30 और मैं यहाँ पे एक सूर्य सा जेस्चर कर रही हूँ मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि आज मेरे सर के ऊपर शनि राहु केतु का कॉन्सर्ट है, यानी मेरे बेटे का एग्ज़ाम है आज। तो उसके लिए मैं उसको दही शक्कर खिला रही हूँ और दही का टीका लगा रही हूँ, ये मैं हर टाइम करती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। शनि राहु केतु थोड़ा डांस कम किया करेंगे, इस हिसाब से मैं ये करती हूँ और ये मैं हमेशा ही करती हूँ उसके साथ। और यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ कोई मेडिसिन लेके जाओ, उसको लेना नहीं है, लेकिन मेरा भाषण चल ही रहा है कि देन लेना ही है, लेना ही है, और एट द एंड उसने मान लिया और लेके चला गया क्योंकि उसको फीवर है। चलो चल गया टोली, और यहाँ पर आ गए फूलचंद भैया यानी माली भैया फूल की टोली लेके। और मुझे सडनली क्या हुआ, मुझे लगा कि चलो फूल का पौधा खरीद लेती हूँ, क्योंकि हूँ तो मैं प्लांट किलर, लेकिन इतने सुंदर प्लांट्स को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैंने दे दिया कुछ, मतलब मेरा पैसा जो था वो ख़त्म किया और ले लिया। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ वृंदा देवी के पास, कहा यह जाता है जहाँ पे वृंदा देवी का वन उसी को कहते हैं वृंदावन। तो उस हिसाब से मैं शायद वृंदावन में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर के चारों ओर वृंदा देवी का वन है। तो उनसे अनुमति लेके मैं थोड़ा सा उनसे पत्तियाँ ले रही हूँ, क्योंकि फूल वाले भैया ने मुझे लगा दिया था चूना, उन्होंने तुलसी के पत्ते नहीं दिया था इस बार। जादू 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 नहीं, जादू नहीं, हाथों से ही बनाया है मैंने सारा ये भोग। आज दादोशी था तो मुझे प्रभु को भोग अर्पित करना था, तो मैंने सारा भोग यहाँ पे तैयार कर लिया है, दाल सब्जी दो तरह की सब्जी, चावल भाजी, फिर पूरी हलवा सब रेडी हो चुका है। अभी मैं प्रभु को ये भोग अर्पण करूँगी और उसके बाद मैं धनतेरस की शुरुआत करूँगी। और ये थाली रेडी हो चुका है, प्रभु को मुझे अर्पित करना है। और आगे ये गैस वाले भैया, इनके भाषण सुन के मुझे लगा कि खाना पीना ही छोड़ दूँ ताकि गैस खरीदना ना पड़े। और मैं चल रही हूँ स्कूल की ओर, लेना है आराधो को स्कूल से। बिंगो मिल गए मेरे माता जी। और मेरे 2 लीटर खून पीने के बाद, मेरे नहीं एक्चुअली स्कूटी का 2 लीटर पेट्रोल ख़त्म होने के बाद माता जी का दर्शन मिला, और माता जी को भी शायद मेरे जैसे कोल्ड हुआ है इसलिए वो ये हलवा पूरी भी नहीं खा रहे हैं, सूख रहे हैं। अरे अरे माता जी, आपने क्यों गिरा दिया एक दाना चने का। और फिर आ गए, झाड़ू ले लो, झाड़ू ले लो, हाँ झाड़ू लेना है मुझे। और ये बर्तन के दुकान में आंटियाँ शायद दो ना मुझे, यार मुझे भी तो देखना है। अरे बाबू भैया पछाड़ो मत, ये तांबे का लोटा बोल रहा है। और यहाँ पे ढेर सारा कपड़ा गोपाल सुना के लिए बिक रहा है, मुझे भी लेना है। और यहाँ पे भगवान जी भी बिकने के लिए आ गए हैं दुकान में, ताकि गरीब का थोड़ा कल्याण हो, गरीब के घर में दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। अरे मेरा नहीं, अनुपमा सीरियल का डायलॉग है ये। और शुक्रवार का दिन था तो मैं प्रसाद में खा रही हुई है छोले और साथ में गुड़ के बने हुए बताशे, बंगाली टर्म्स आ जाता है यार। और ये है झाड़ू, मेरा दिवाली नहीं धनतेरस वाला सेल है, सेल नहीं धनतेरस का शॉपिंग है। बहुत ज़्यादा हकला रही हूँ, और साथ में ये मोर पंख पता नहीं क्यों खरीदते हैं लोग, मैं भी खरीदती हूँ, लोग खरीदते हैं तो इसलिए। और हल्दी के गट्ठे पूजा के लिए, और धनिया माता लक्ष्मी जी का बहुत फेवरेट कहा यह जाता है, और नमक, कुछ पता नहीं क्यों नमक भी खरीदना पड़ता है धनतेरस के दिन पे, और त्यौहार हो और मेरे गोपाल का जामा ना हो तो ऐसा तो नहीं है, होना ही था। और यहाँ पे है कौड़ी, इसको हम कौड़ी ही कहते हैं, और साथ में ये गोमती चक, ताकि मेरे घर में भी बहुत सारा धन आए, उसके लिए मैंने कड़ी खरीद के लाई हूँ ताकि माता थोड़ा खुश हो मेरे ऊपर। और मैंने यहाँ पे माता के लिए ये एक
पीतल की थाली खरीदी कुछ दिन पहले, लक्ष्मी पूजा के टाइम भी मैंने थाली खरीदी थी माँ के लिए, तो फिर मैंने छोटा सा ये एक थाली खरीदा। ऐसा बेंगलीज में उतना खरीदने की तो कोई उतना नहीं है, लेकिन आजकल लोग शो ऑफ के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मेरे कुछ शो ऑफ करने का कोई इच्छा चाह कुछ भी नहीं है, तो मैंने नहीं खरीदा। तो ये रहा नया वाला प्लेट में माता के लिए प्रसाद की थाली कर रही हूँ मैं धनतेरस की पूजा। लक्ष्मी जी, गणेश जी, धन्वंतरी जी और कुबेर महाराज की पूजा करती हूँ मैं। और यहाँ पे कार्तिक मास चल रहा है ना, तो इसके लिए मैं दीपदान कर रही हूँ। घी के दीपक मैंने प्रज्वलन कर लिया है और मैं प्रभु को उसको दर्शन कराऊंगी। अभी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शूट करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने अपलोड किया नहीं। शायद कार्तिक मास खत्म होने के बाद ही मैं अपलोड करूंगी। ऐसा ही मेरा हाल कुछ है, बुरा, बहुत ही बुरा हाल, और ऐसे ही बिता मेरा पूरा दिन। चलो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।